वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कर्नाटक में दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया। सीएम ने कहा कि कर्नाटक में जाकर अमित शाह जनता का अपमान कर रहे हैं। कर्नाटक में 40% कमीशन वाली सरकार की चर्चा है, लेकिन उस पर अमित शाह मौन है। भूपेश बघेल ने सरकार की योजनाओं की भी जानकारी दी। जाके वो कर्नाटक की जनता का अपमान कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो 40% कमीशन को वहाँ, उसके बारे में अमित शाह जी मौन है। वहाँ की सरकार, आम जनता के में चर्चा है कि 40% वहाँ कमीशन लिया जाता है, तो सरकार को 40% कमीशन की सरकार कही जाती है, उसके बारे में अमित शाह मौन है। और आरक्षण की बात है तो आरक्षण तो अभी सुप्रीम कोर्ट का भी हो गया कि जितना जल्दी हो वापस करना है। यहाँ जो गैर भाजपा शासित राज्य जितने भी हैं, वहाँ के राज्यपाल ये सारे बिल रोक के रखे हैं, छत्तीसगढ़ में बिल रोक के रखे हैं। और इसके मामले में जब सुप्रीम कोर्ट का भी एक निर्देश आ गया है, तब तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ये, और अमित शाह से भी कहना चाहूँगा कि राज्यपाल की नियुक्ति तो वही लोग करते हैं, तो भाई उनको कम से कम केंद्र सरकार से एक निर्देश हो जाए कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे को, वो जो बिल यदि पारित है तो उसे राज्य सरकार को हस्ताक्षर करके देना चाहिए।